चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। हेलो राम राम जी, मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और मेरी सहेली देगी थी सिरका, अब इसको मैं छान के इसमें हंडी, वो बोल गई थी कि हंडी में मिट्टी के बर्तन में ठीक रहता है, बिगड़ा तो कुछ भी नहीं, साफ है बिल्कुल। माता जी ले जाइयो, चल तो उसे दे देंगे आप। बोतल की बड़ी बोल रहा है, ये धो ली थी, अभी मैं साफ करूंगी, थोड़ा नमक भी डालूंगी ना। है नमक? नमक फिर के नाम ना छलनी है, मतलब छाने से धोती हूं, सुखा के गिरने के इसमें। हाँ पानी नहीं होना चाहिए ना। और ये लाए थे रात सेब, आप सब भी आकर खा लो सेब, मैं भी खा रही हूँ। और मम्मी तोड़ के सारी मिर्च इसमें डाल देंगी, सुखा सुखा सी है। चटनी भी बना दी मैंने, और चटनी बनाई हरे धनिया की, ज्यादा नहीं डालती है, थोड़ी डाल दो, डालती रहेंगे, चंदे भी डालेंगे। और ये मम्मी ने सिरके में मिर्च डाल दे, अब थोड़े इसमें डाल दूंगी नमक, अब इसमें नमक डाल लेंगे थोड़ा सा, और फिर मूली के चंदे डाल देंगे, मूली ले आएंगे पावा। ये सुबह सुबह दिया मैंने लगा दिया, देखिए पूजा, भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और सुबह सुबह धूप निकल गई है अच्छी, अरे ब्राउनी मम्मी को परेशान कर रही, सेब खाएगी ब्राउनी ले, ओ सुसु करते गिर का उसमें, अब बैठ गई आराम से, अब यहीं बैठी रही है, गुस्सा होगी क्या ब्राउनी, इस पर लेट जाए अपने बिस्तर पर, अपने बिस्तर पर लेट। और ये सुबह सुबह पी रहे हैं चाय, साथ में है नमकीन और बिस्किट, आप भी खाइए दोस्तों लीजिए। मम्मी देख रही ना, मम्मी ने अभी खाना खाया अपना, चलो खाओ। और ये हो गया तैयार ऑफिस जाने के लिए, चलो 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 चलो। और इनका लंच मैंने इनके बैग में रख दिया, थोड़ी तेज चलेंगे, थोड़ी तेज बोला करो, पारो किसी को आवाज नहीं आती तुम्हारी, जल्दी ठीक है, बाय बाय। ये देखो ब्राउनी, आज इसके सुआ लगा था, भैया ऐसे लेके गए थे सुआ लगवाने डॉक्टर के, और इसे वहीं से कपड़े पहना के लाए। ब्राउनी ब्राउनी कैसा लग रहा तुझे, कैसा लग रहा गोली लेकर है ब्राउनी, कैसा लग रहा कपड़े पहन के, इसकी दवाई ब्राउनी सोयाबीन, वो कह रहे थे पहले से उसे उबाल के देख लेना खाएगी क्या, वैसे कच्चा कह रहे थे देख लेना, कच्चा खा रहे थे कच्चे, इसे कह रहे थे। और ये इसके खाने के लिए लाए ब्राउनी के, पीछे से सूख से रहा काफी, पता नहीं क्या क्या है, भर जाएगा भर जाएगा। अच्छा चश्मा ले आया, चश्मा क्यों है, ब्राउनी ब्राउनी सोनी लग रही ब्राउनी तो, कपड़े पहन के और अब बना रही है मम्मी आलू मटर, ये इसमें मसाला डाल दिया सारा, छोंक दिया, मटर भून रही है अभी, फिर ये आलू डाल देंगे बाद में, और इधर सलाद भी काट के रख दी। आज हमारा मेहमान आने लग रहे, आज हमारा मेहमान आने लग रहे, इसलिए उनके लिए बना रहे हैं, उन्हीं के लिए सलाद काट दिया है, और अब आलू मटर बनने लग रहे हैं, बस फिर जब मैं आ जाएंगे फिर चाय वाय पी के फिर रोटी बना लेंगे। हम ब्राउनी सोई पड़ी फैल लगा सोरी कतई सिद्धी। और अब बना रही है मम्मी पूरियाँ, ये उतरन लग रही है इसमें, कुछ कुछ बन गई है।
और दोस्तों मेहमान आ चुके हैं और ये हैं मेरी बुआ जी की लड़का और लड़की, मतलब मेरे भाई और बहन हैं, और आपको हाय कर रहे हैं। वो चढ़ गई ऊपर ही भैया का लाड करेगी और ये अपने खाने का वेट कर रही, पर भैया इसका खाना तैयार कर रहे हैं और ये बैठी हुई नहीं देख रही कि मुझे खाना देंगे। सब भूख लग गई इतनी देर में है। ब्राउनी कैसे लेट रही ब्राउनी? आ गया खाना, चल खा। और दोस्तों दीपू भात नोतने की रसम पूरी करता हुआ यहाँ पापा को दीपू ने मिठाई खिला दी है और पापा ने दीपू को, और मम्मी देख रही है मुझे कौन खिलाएगा। मम्मी को किसी ने नहीं खिलाया। और माँ बेचारी देखती रह गई क्योंकि इन्हें शुगर है। और शादी है इस खूबसूरत लड़के की। मैं हंसी, पारुल हंसी जोर से। अच्छा जी। और दोस्तों हम तीनों भाई बहन आए हैं यहाँ पर वेज रोल खाने, और यहाँ पर बच्चे बंजी जंपिंग का नज़ारा लेते हुए, और यहाँ पर कितने झूले भी हैं। और हम यहाँ टहलते हुए आए थे, खाना हमने वैसे खा लिया था पर टहलते टहलते आ गए हैं। और दीपा को भी कुछ काम था यहाँ पे, तो वो भी काम हमने कर लिया है, और अब बस यहाँ पर रोल खाने के बाद फिर हम घर चलेंगे। और रोल खाने के बाद दोस्तों आए हम जूस कॉर्नर पे, और यहाँ जूस पी के फिर चलते हैं हम घर पे। तो यहाँ अंधेरा काफ़ी हो चुका है और निकलने वाले हैं, और अब चलते हैं दोस्तों हम घर की तरफ। थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे, और घर जाने के बाद थोड़ी देर में आपको अपडेट देता हूँ। और दोस्तों अब हम कर रहे हैं वेट मेरी बुआ जी की लड़की का, मतलब मेरी छोटी बहन का, और इसका वेट आया है 52 किलो, और बंद हो गई है मशीन भी, बताओ। और अब मम्मी जी कर रही हैं अपना वेट। मम्मी भी मेरे में तो पहुंच जाते हैं। ओ मम्मी का तो एक ही पैर। ओ भाई साहब 95 kg। मम्मी कमी है, 100 ही शतक मार देती। एक मिनट, बढ़ गया फिर? बढ़ गया, पहले 94 किलो था, मैंने देखा था व्लॉग वो। हाँ, 1 किलो ही तो बढ़ा। 1 किलो बढ़ गया, बढ़ गया। अब दीपो का नंबर है? नहीं, मेरा ही है। अच्छा मम्मी का ही है। मम्मी बार बार तोल रही है, कभी कम हो जाए। अब 95-400 हो गया, 96 हो गया, 95-400 आ रहा है। और अब दीपो की बारी। अब दीपो देखते हैं, देखने में तो पतला सही है। दीपो का है लगभग 59 किलो का है, 59 किलो 350 ग्राम, सही है वजन। दीपू को खुशी हुई। डेढ़ सौ ज्यादा है ना? हाँ, डेढ़ सौ तो ज्यादा है, और 60 किलो का वजन देना है। दीपा ने फिर किया है, और अब भी इतना ही आया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5900 आया है भाई, सबका बढ़िया, मेरा क्यों नहीं पड़ा? मैं भी हूँ क्या? 52 किलो बहुत है। और दोस्तों अब मैं तोल रहा हूँ अपना वजन, अब देखते हैं मेरा वजन कितना है। ये देखिए, जय हो। जय हो किसकी? 73 किलो 800 ग्राम, ज्यादा नहीं है, 74 किलो ही है, सही है वेट मेरा, बिल्कुल मेरे हाइट के अकॉर्डिंग इतना ही होना चाहिए। मेरा भी ठीक है। और पारुल करी मैं नहीं तुलूंगी, किसी को नहीं बताना, ये छुपा रुस्तम है।